किसान साथियों, मेरा मत है कि आप सभी का अभिनंदन करता हूँ रवि जॉन फार्म फ्रेंड में। किसान साथियों, आज हम आपको दिखाएंगे एडवांटा कंपनी की मक्खन ग्रास के बारे में जानकारी देंगे और बताएंगे कि हमारा डेयरी फार्मर मक्खन ग्रास अपने खेत में लगाकर बहुत अच्छा मुनाफा कर सकता है। जैसे कि मक्खन ग्रास पशुओं में बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होती है और उसको खिलाने से फीड कम डालना पड़ता है और दूध में वृद्धि होती है। तो चलिए जानते हैं मक्खन ग्रास के बारे में। अगर सूरज की तरह जलना है तो रोज उगना पड़ेगा। सर, आपका स्वागत है हमारे रवि जॉन फार्म फ्रेंड में। जो सामने से किसान भाई देख रहे हैं, आप उन्हें अपना और अपनी कंपनी का एक छोटा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम अश्विनी है जी, और हमारी कंपनी का नाम है यूपीएल लिमिटेड जी। जिस ये यूपीएल लिमिटेड एक ग्रुप है जिसका एक पार्ट है एडवांटा इंडिया लिमिटेड जी। एडवांटा का सर बहुत ज़्यादा हमने नाम सुना है और किसान भाई उसका प्रोडक्ट भी इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि एडवांटा का एक प्रोडक्ट है मक्खन ग्रास, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। मक्खन ग्रास ये हमारा सर्दी ऋतु का चारा है जी। सर्दी ऋतु में ये लगता है और मक्खन ग्रास ये कहिए कि पशुओं के लिए, हमारे एनिमल्स के लिए एक वरदान है सर्दी ऋतु जी। इसके फायदे जो है, एक तो ये इसकी जो ईल्ड निकलती है जी, जो भी सर्दियों की अदर क्रॉप्स हैं उनके कंपैरेटिवली डेढ़ गुना ईल्ड निकलती है जी, और 4 से 5 कटाइयाँ इसकी हो जाती हैं। और उसके बाद इसमें जो प्रोटीन है 18 से 21% प्रोटीन है, जिसकी वजह से पशु को जो हम फल फीड चोकर वगैरह डालते हैं जी, उसमें भी कमी कर सकते हैं। अच्छा। तो वो भी हमारा जो प्रॉफिट में, इनकम में बढ़ोतरी हो जाती है जी। तो सर, इसकी बिजाई का क्या टाइम होता है? इसकी बिजाई आप सितंबर से लेकर नवंबर लास्ट तक कर सकते हैं। अच्छा। हमारे फार्मर सितंबर से नवंबर लास्ट तक इसकी बिजाई कर सकते हैं। और इसकी खासियत यह है, जैसे जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है या कोहरा पड़ता है, उस समय में बाकी जो फसलें हैं चारे वाली सर्दियों की, वो रुक जाती हैं, ग्रोथ नहीं करती। ग्रोथ नहीं करती, ये उन दिनों में भी अच्छी ग्रोथ करता है। अच्छा। तो ये लगभग जैसे मान लीजिए सितंबर में हमने बिजाई करी, तो ये पूरा क्रॉप रोटेशन कब तक चलता है? ये मान लो आपने सितंबर में बिजाई करी तो 45 डेज पे 50 डेज पे आपने इसका फर्स्ट कट ले लेना। फर्स्ट कट ले लेना। हाँ, कटाई करने के बाद पानी लगा के यूरिया डाल देना है इसको। अच्छा। ठीक है, 25 kg पर एकड़। ठीक है, या पर खेत जो भी बोल जानता है जी जी, कहीं किला बोलते हैं कहीं एकड़ कहीं खेत जी, उस हिसाब से 25 किलो खेत का ये पानी लगा के हर कटाई के बाद पानी लगा के यूरिया डाल देना। उसके बाद 25 दिन पे इसके कट आते रहते हैं। अच्छा। और अप्रैल लास्ट तक इसकी कटिंग होती रहती है। अप्रैल लास्ट तक हम इसकी कटिंग करते हैं। 25 दिन बाद इसकी कटाई करते रहो तो, और पानी लगा के यूरिया देते रहो। तो जैसा कि पानी की आपने बात करी, तो पानी इस क्रॉप को ज़्यादा चाहिए या कम में चल जाता है? जैसे अदर क्रॉप्स हैं सब्जियों की जी, जैसे बरसीम जबी को पानी लगता है, वैसे इसको भी लगता है। इसको थोड़ा सा बरसीम से एक आध पानी ज़्यादा लगता है। अच्छा। और अगर हम बात करें कि किस किस स्टेट में ये हो सकती है, ऐसा भी कुछ है कि मतलब सब जगह हो सकती है या कुछ कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स? नहीं, जहाँ पे सर्दी ऋतु जो ये बरसीम या जबी हो सकती है वहाँ पे ये भी होता हम कर सकते हैं। हाँ। अच्छा। और जैसा कि अगर किसान भाई इसको खिलाते हैं, तो जैसे आपने अभी बताया था इसमें प्रोटीन इतना परसेंट है, प्रोटीन है, ड्राई मैटर इसमें अच्छा है जी। और इसको इसको एक तो आप जैसे तूड़ी है, सॉरी बरसीम है, हम ज़्यादा हमारे यहाँ बरसीम चलता है ज़्यादा, तो बरसीम जो है अगर ज़्यादा खिला दो पशु को तो उससे मोक लग जाती है, अफारा हो जाता है। अफारा हो जाता है। हाँ, इसको आप कितना भी खिलाओ, 30-40 किलो कितना भी खिलाओ पशु को, अफारा नहीं होएगा, मोक नहीं लगेगी। और जब चारा पूरा खाएगा पशु तो फल फीड हमें कम देना पड़ेगा, खर्चा कम हो जाएगा और दूध बढ़ जाएगा पशु का। डाइजेशन में कैसा है सर? ऐसा तो नहीं है कि वो जैसे ज़्यादा हरा खा लेता है तो दस्त लग जाते हैं, पतला गोबर देना शुरू? वही चीज़ ना बताई मैंने, यही तो इसका फ़ायदा है कि इसको खाने से, मैंने बताया कि आप इसको पशु 30-40-50 किलो कितना भी खिला दो, ना दस्त लगेगी ना गोबर पतला होगा, क्योंकि इसका डाइजेशन अच्छा है। और अगर हम बीघे की बात करें तो बीघे में कितना बीज डाला जाता है सर? इसका जो किले का बीज है एक एकड़ का, वो 6 से 8 किलो है एक एकड़ में। एक एकड़। अच्छा। और इसको बिजाई का क्या प्रोसेस होता है, जैसे बरसिंग लगाई जाती है वैसा कुछ है या कुछ अलग है? देखिए, बरसिंग जो है फार्मर लगाते हैं जैसे पानी खड़ा करके खेत में, उसके बाद इसका छिट्टा दे देते हैं बरसीम का। तो इसका जो मक्खन ग्रास का बीज है ये हल्का है। अच्छा। वजन में तो इसका खड़े पानी में छिट्टा नहीं देना है जी। जब पानी लगा दिया खेत में, पानी छोड़ दिया जी, जिस समय पानी पी लिया जमीन ने, इंची इंची पानी रह गया इतना जी, जी।
तो इसको जो है किसी राख में या रेत में मिला के इसका छिट्टा दे दे, दे दे। एक तो ये तरीका है, ठीक है। दूसरा पहले खेत तैयार करके इसका छिट्टा दे के उसको मट्टी में मिला के बीज को पीछे से पानी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये बताइए सर, अगर कोई फार्मर इसको लेना चाहे तो वो कहाँ से ले सकता है? ये हर मार्केट में अवेलेबल है। अच्छा, किसी भी सीड मार्केट में आप जो है अवेलेबल मिल जाएगा। अदरवाइज अगर नहीं मिलता है तो मेरा नंबर है, मुझे कॉल कर सकता है कोई भी फार्मर कहीं से भी। आप एक बार अपना नंबर बताइए। अवेलेबल उनको करवा देंगे। मेरा नंबर है 9877066622 9877066722। और क्या कहना चाहेंगे आप इस मक्खन ग्रास के बारे में? और बस यही है कि ये जो है न्यू जनरेशन की क्रॉप्स है, आने वाले समय की फसलें। जैसे कहते हैं कि अभी अगर डेयरी फार्मिंग को हमने सक्सेस करना है तो उसको वैज्ञानिक तरीके से देखना पड़ेगा जी। तो ये हाइब्रिड है राई ग्रास का, अच्छा है, यील्ड अच्छा है, इससे फार्मर की डेयरी फार्मिंग की इनकम बढ़ेगी, खर्चे कम होंगे। जरूरी है, आज की ज़रूरत है कि फार्मर को नई नई क्रॉप्स, अगर हम देखें अदर क्रॉप में मक्की धान या गेहूँ, उसमें हम कभी भी 2-3 साल पुराना सीड नहीं लगा रहे हैं जी। बट अगर चारे की बात करो तो आज भी हम 25-30 साल पुराने बरसीम जबी वही लगा रहे हैं फार्मर। बिल्कुल, इसीलिए जो है ये डेयरी फार्मिंग हमारी लॉस में जा रही है। तो हमको ज़रूरत है इनको ब्रीड्स को, चारे की ब्रीड्स को चेंज करने की। तो वो एडवांटा जो है उस पर बड़े लेवल पर काम कर रही है। सर्दियों में मक्खन ग्रास है, गर्मियों में भी हम चारे दे रहे हैं, न्यूट्री फीड है, मेगा स्वीट है, खंड मिश्री है। अच्छा, और साइलेज के लिए हम ब्रकाई सौर को दे रहे हैं। साइलेज के लिए अक्सर फार्मर कॉर्न लगाता है, हम कॉर्न की जगह ब्रकाई सौर को लेके आए हैं, जिससे यील्ड भी अच्छा मिलता है मक्के से साइलेज में, और जो है क्वालिटी में भी मक्के के जितना बराबर बढ़िया है। तो जैसे सर हमने साइलेज की बात करी, तो साइलेज खिलाने से असल में होता क्या है, जो पंजाब का एरिया है या हरियाणा का कुछ एरिया, वहाँ साइलेज को किसान इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा अगर आप कभी यूपी गए हो तो उधर का डेयरी फार्मर साइलेज इस्तेमाल नहीं करता। ये कोई भी चीज़ है ना, कहीं से तो स्टार्ट होती है। हाँ, अभी वहाँ तक पहुँची नहीं है, अभी उन लोगों ने चीज़ को, मतलब हमारे किसानों ने वाकई चीज़ को समझा नहीं है जी। जबकि ये ज़रूरत बन चुकी है इस समय साइलेज, और अच्छी क्वालिटी का साइलेज, अच्छी फसल से तैयार किया हुआ। जैसे मैंने बताया बरकाई सौर को जी, ये अच्छी फसल है साइलेज बनाने के लिए। तो अगर उससे हमारा किसान भाई साइलेज तैयार करता है और अपने पशुओं को खिलाता है, उसका क्या क्या बेनिफिट्स रहे? और स्पेशली मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप उन फार्मर्स को बताइए डिटेल में, जैसे कि यूपी के हैं, एमपी के हैं, बिहार के हैं, उधर के जो फार्मर्स हैं उनको आप बताइए। साइलेज है ना, साइलेज ये कहिए कि हमारे पास हरे चारे का स्टोर है जी। जैसे मान लो किसी टाइम पे हरा चारा नहीं भी है, उस समय भी हम जो है अपने जो पेट होते हैं जहाँ पे साइलेज हमने बनाया होता है, हम बाहर साइलेज निकाल के डायरेक्ट अपने पशुओं पर डाल सकते हैं। इससे एक तो लेबर की कमी आती है, हमें चारा काटने के लिए लेबर भी चाहिए, वो भी लेबर भी कम, कोई भी बंदा जो है अपने घर में से ला के साइलेज निकाल के अपने पशुओं को डाल सकते हैं, तो लेबर में कमी आ गई। दूसरा, हमारे पास पूरे साल का चारे का स्टॉक हो गया, अगर किसी समय हरा चारा कम है तो साइलेज को डालो। दूसरा, साइलेज के साथ हरा चारा अगर मिक्स TMR टोटल मिक्स राशन बोलते हैं, साइलेज हरा चारा और फीड जितना जितना क्वांटिटी है उसको डाला जाए तो उससे पशु तंदुरुस्त भी रहता है और पशु का जो हेल्थ बढ़िया रहता है और पशु का दूध बढ़ता है। तो जैसे कि सर साइलेज की बात, ऐसा तो कुछ नहीं होता है कि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाती है साइलेज के बाद में? साइलेज अगर बढ़िया क्रॉप से तैयार किया हुआ, जैसे मैंने बताया बरकाई सौरगो, बांटा बरकाई सौरगो लेके आई है, उस क्रॉप से या फिर मक्के का भी साइलेज हो, तो ये जो इनके जो भी न्यूट्रिशन वैल्यू जो प्लांट्स में होती है वही एज इट इज साइलेज में भी होती है। वो हमारे पास साइलेज जो है वो हरे चारे का ही स्टॉक। अच्छा, तो सर आपने किसान भाइयों को बहुत ही अच्छी जानकारी दी और डिटेल में बताया कि वो अपनी डेयरी फार्मिंग में कैसे ग्रोथ कर सकते हैं हरे चारे को लेकर, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन को जरूर दबाएं। मैं रमन त्यागी, रवि जॉन, फार्म फ्रेंड से।